आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुद है बीमार, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। भंडरिया से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। अब हर आदमी का स्वास्थ्य का हिसाब किताब सरकार खुद रखेगी। देश भर के उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का मेगा प्लान तैयार हो गया है। इसके अनुसार गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड के कंजिया उप स्वास्थ्य केंद्र के जगह पर लाखों रुपए से आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है, जो कि बनने के बाद आज तक एक बार भी नहीं खुला और सेंटर जंगलों में तब्दील हो चुका है। वेलनेस सेंटर खोलने के मुख्य उद्देश्य सेंटर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के बीपी, डायबिटीज व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की निशुल्क जांच की जाएगी और जरूरत के अनुसार उनको दवा और परामर्श भी दिया जाएगा। लोगों की बीमारी के आधार पर 3 कैटेगरी बनाई जाएगी, जिसमें इलाज की जरूरत नहीं, परहेज की जरूरत और दवा की जरूरत के आधार पर उनके बीमारियों पर इलेक्ट्रिकल व फिजिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया जाए। लेकिन यहाँ तो वेलनेस सेंटर अपने इलाज के लिए खुद ही तरस रहा है। अब देखना यह है कि कब तक अपनी इलाज कर दूसरों के इलाज में तब्दील हो पाएगा। इस प्रकार के मामले को केवल पत्रकार ही उठाते रहते हैं, जबकि यह कार्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उठानी चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारियों से परहेज कर रहे हैं।